मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति किसी की तरफ अगर कोई बीमारी आ जाती है देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। अब हमने इसको विस्तार रूप दिया है। पहले 5 लाख रुपए का अधिकार था, 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद अब हमारी सरकार 10 लाख रुपए का अधिकार देगी कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। और इससे अलग भी एक और निर्णय किया है हमने इस संकल्प पत्र के अंदर, ये भी निर्णय किया है हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या हमारी माता है, ऐसे सब 70 साल के बुजुर्ग हमारे और माताओं को ये निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प के अंदर लिया है कि उनके परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आती है तो उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। 5 लाख रुपए का अलग से उसको भी कार्ड दे करके इलाज कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और भाइयों, हमने अभी ये निर्णय भी किया है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख युवाओं को और रोजगार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी।